जब तक मैं कुफे में रही, दो तीन सब्ज रंग से ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन यहाँ अब तक सात सब्ज रंग से ज्यादा देख चुकी हूँ। खुदा मेरी माँ की मगफरत करे, वो कहती थी जो भी 40 सब्ज रंग देख लेगा 40 हासिदों से अमान में रहेगा। कहाँ खो गए? नहीं मालूम। नहीं मालूम? जो सरदार अपनी हुकूमत की हदों को ना जाने, वो उन्हें कैसे संभालेगा? मालिक की हद वो सातवां सब्ज रंग है जिसे तुमने अहमियत नहीं दी। कहाँ हो इब्राहिम? कुलजुम, कुलजुम के बाद फुस्ताद, फुस्ताद के बाद मिस्र। मरहबा सरदार, मरहबा। तारीख थके सरदारों को पुराने घोड़ों की तरह हर मंजिल पर बदल देती है। बूढ़ों को इजाजत है कुछ देर आराम कर लें। यहीं रुकेंगे। ताज्जुब है, हंस रहे हो? हंस रहा हूँ क्योंकि अली का सरदार हंस। सरदारों की हंसी के पीछे हमेशा तूफान होता है। खूब जानता हूँ, जब थक जाते हैं तो हंसते हैं। उनका तो घर ही घोड़ा, जीन और रकाब था बेटा, वो सफर से नहीं थकते। हमें 50 कदमों से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। डर रही हो? नहीं मालूम। जिस औरत को अपने अहद पैमा के हुदूद का इल्म न हो, वो अपने अहद कैसे पूरा कर सकेगी? अपने दुख में हाजिर को शरीक करना नहीं चाहते? मिस्र फिरौन पसंद सरजमीन नहीं। उसके तीनों एहराम सुरैया से दहन का जी है। नील की तुगयानी खुद एक मसला है, उसके बदतरीन खुदाओं की कहानियां इंसानों, दरख्तों और पत्थरों पर जादू करती हैं। न कैस संभाल सके न मोहम्मद, इनमें से कोई भी मामूली आदमी नहीं था, लेकिन उस पुराने फिरौन का मुकाबला न कर सके। मुझे ऐसे हरीफों के मुकाबिल जाना है जिनके मकरो फरेब के घोड़ों के सिर्फ निशान रह गए हैं। एक जगह किसी अमीर को माजूल करना हौलनाक असरात रखता है। डरता हूं कि एक उम्र मोहब्बत को मिस्र ने खो न दूं। मालिक, सफर पुर हतर है, किसी पे एतमाद ना करना हत्ता के हाजर।
नया ओहदा मुबारक हो इब्राहिम। सरदार, लश्कर के मनसबदार आपसे कुछ वजाहत चाहते हैं। गुंजान रास्ते से मिस्र क्यों जा रहे हैं? सरदार, मखफियाना तौर पर मिस्र क्यों जा रहे हैं? गैर लश्कर के मिस्र क्यों जा रहे हैं? सरदार, शहर में काम क्यों नहीं करते? मालिक अश्तर के साथ हम सफर हो तो चुनो चला मत करो। ठीक है, रात खाना क्या खाएंगे? क्या हम खाके कुलजूम से भी ज्यादा बेअर्दिश थे जो हमें जियारत से भी महरूम रखा? सरदार, खुदा कुलजूम और अहले कुलजूम को माफ ना करे अगर वो गफलत करें और अजीज तरीन यावरे अमीर अल मोमिनीन की खुशबू से महरूम रहकर शाबान से रमजान में दाखिल हो जाए। बीवी, क्या हम यहूदी हैं ये फातिमा जहरा की खुशबू से अपनी कनीजों को महरूम कर रही हैं? ये अहले कुलजूम के लिए शर्मिंदगी है। अभी आपके खादिम नहीं मरे जो आप बयाबान में रात गुजारे? यहाँ से मिस्र जा रहे हैं और हमें सिर्फ यहाँ से गुजरने का हुक्म है। मख्फी और गुंजान रास्ते से जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अमीरुल मोमिनीन का खत मिस्र पहुंचा दें। आपसे मिलना या न मिलना, अली के चाहने वालों से मालिक की मोहब्बत को कम नहीं करेगा। आपसे मुलाकात हमारे लिए बाईस इज्जत है। कुलजूम और अहालिय कुलजूम की खुशी ही अली व असहाब से मोहब्बत करना है। आपके कदम अगर हमारी अंधी आंखों पर पड़ जाएं तो वो बीना हो जाएं। हमारे गरीबाना दस्तरखान को बरकत से महरूम ना करें। भाई, हमारे पास वक्त कम है। मिस्र के हालात अच्छे नहीं हैं। अली के चाहने वाले हरगिज नहीं चाहेंगे कि उनकी हुकूमत का काम पीछे रह जाए। हरगिज नहीं, मेरा मकसद तो ये था कि आज की रात हकीर के गरीब खाने पर बसर करते और तुलुए आफ्ताब के वक्त अहालिय कुलजूम की दुआ के साथ रुखसत हो जाते। बहुत शुक्रिया, हमने पड़ाव डाल लिया है। इजाजत दें कि हम यहीं आराम करें और कुलजूम न जाएं। मैं तो आपके लिए आराम चाहता हूँ, फिर भी हम महरूम नहीं हैं। आपके मुबारक कदमों ने खाके कुलजूम को सारी आफतों से पाक कर दिया है। आपकी इस मोहब्बत को नहीं भुलाऊंगा। आने का शुक्रिया। मैं मजबूर हूं कि मखफियाना सफर करूं। अहालिय कुलजूम को हमारे यहां रहने की खबर न दी जाए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, हवाओं पर मेरा बस नहीं चलेगा। जिसने भी अपना दिल अली के सुपुर्द किया है वो आज की रात अली की खुशबू जरूर सूंघेगा। खुदा हाफिज। नहीं सोएंगे? जब नींद तकसीम हो रही थी तो मैं मश्क शमशीर कर रहा था ताकि अली की पैरवी करते हुए अपने ख्याली अम्र इब्न अब्दवत को कत्ल कर दूं। पहुंचा तो नींद तकसीम हो चुकी थी। मैं हाजिर हूं मालिक, मेरे सवाल का जवाब मामा नहीं सिर्फ एक कलमा है। जागता रहूंगा। जागता रहूंगा ताकि कूफे के नखलिस्तान से अली की मुनाजात की आवाजें सुन सकूं। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने चाहा था कि मुझे इश्क के माने बताओ।
आपके उस दिन के जवाब को मैं आज समझ सकी। इश्क एक हालत है, जैसे मालिक की अली की निस्बत। मालिक मालिक मैं आ रहा हूँ, मालिक मालिक मैं आपके इस्तकबाल के लिए आ रहा हूँ। मालिक अपने सरदार के लिए शरबत लाया हूँ, शहद का शरबत। लीजिए मालिक, इस शरबत को कबूल फरमाइए। मेरा दिल लरज रहा है मालिक, मालिक हमजा की जियारत के लिए आया हूँ। दुरूद बर फखरे दीन, मालिक अश्तर नखई। दुरूद हो यावरान बेनाम निशान मोहम्मद वाली पर, पयाम्बरान सफा व इखलास। आप लोगों की इस कदर मोहब्बत के मैं लायक नहीं था। खानदान पैगंबर की दूर नजदीक भावें हमारे लिए फातिमा जहरा जैसी हिम्मत रखती हैं। दुआ कीजिए बीबी। पीजिए मालिक, शहद का शरबत था। आपके हाथों का हर शरबत मेरे लिए शहद का शरबत है। इस शरबत की तलाफी किस चीज के बदले करूं बाबा? सलामत रहो और तेज तलवार चलाओ, घोड़ा खूब दौड़ाओ। मैंने खुद सरदार के तलवार चलाने के अंदाज को देखा। हमारे बच्चे आपकी तलवार चलाने के किस्से याद कर रखे हैं कि किस तेजी से आप तलवार चलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलविदा मालिक, अलविदा। मरहबा मरहबा बड़े मियां। किस बात का मरहबा? तुम्हारे शरबत पिलाने का। ये शरबत तो कोई बुढ़िया भी ले जाकर उनको पिला सकती थी। मेरे शरबत को हर एक नहीं पिला सकता था।
क्या मतलब? मुझे तो तेरी आंखों में शैतान नजर आ रहा है। जानते हो तुमने क्या काम किया है? काम? नहीं। झूठ बोलते हो। तुमने खलीफा के अजीज तरीन यार को जहर पिलाया है। जहर? मैं? मैंने जहर दिया? वाह हो मुझ पर, मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए जब मुझसे ऐसा काम सरजद हुआ? वाह हो मुझ पर, ये मैंने क्या कहा, ये कैसा गजब होगा? मालिक मुझे माफ कर दे। खुदाया ये आसमान क्यों नहीं टूट पड़ा मुझ पर? ए खाना खराब, तेरे मौत तेरे गम में रोए। इलाहा इल्लल्लाह। गुलजुम के शहद ने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मालिक आपको जहर दे दिया है? हाँ, उल्जूम में नहीं, शाम में। हम लोग तो शाम गए ही नहीं। मेरे लाल, इस बेआबा का चप्पा चप्पा शाम है और यहाँ का हर हार तलवार है। इमाम का हुक्म मिस्र पहुंचाना है, मिस्र पहुंचाना है। कह कर दे, कह कर दे, उल्टी कर दे। तकदीर को कैसे उलट सकता हूँ? कह कर दो, हलक में उंगली डाल के शरबत को निकाल दो। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله
تم پر خدا کی لانت ہو حجر کے حصے کا شربت مالک کو کیوں پلا دیا لانت ہو تم پر لانت بتاؤ، سن رہا ہوں مالک اشتر کو کلزوم میں زہر دے کر مار ڈالا گیا ہے فعل ربك مع أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل سب جگہ اعلان کروا دو کہ خدا کا شہد کی مکھیوں کی صورت میں ایک لشکر ہے جو اس کی مشیت سے مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے اے لوگو مالک استر نخی کے جنازے کی تشریح جو علی کا بے مثل و نظیر سردار تھا Thank you.
सचमुच अश्तर मर गया। मालिक के अश्तर के मरने से अब मुझे मौत पर यकीन हो गया। शुरू करें। कड़वा है या खट्टा? कुछ भी नहीं। फीका है? नहीं। क्यों नहीं खा रहे? शाम की सरजमीन ने मेरी भूख उड़ा दी है। मैं तो धूप, गर्द गुबार और ऊंट का साथी हूं। हिजाजी ऊंटनी के दूध का एक प्याला मुझे सैर नहीं करता, मस्त कर देता। क्या चाहते हो? सूद के बगैर हिजाज। हिजाज तुम्हारे हाथ में था, तो उसे संभाल सके? ये क्या, मेरी ताकत का इम्तिहान है? ये उस इंसान की जसारत है जो मुआविया इब्ने अबी सुफयान के नाम से मोहम्मद मुस्तफा का बेरकीब खलीफा है। आग बगोला क्यों होते हो? जो भी इस दस्तरखान पे बैठेगा वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक खाएगा, न भूख के मुताबिक। मारवान, अम्र आस ने मिस्र को मालिक अश्तर की मौत के एवज खरीदा है। हसादत और कीने में शबो रोज न गुजारो, अली का सोचो। जब तक अली जिंदा है, इराक और हिजाज की हुकूमत ख्वाब ख्याल है। अब अली काफी कमजोर हो चुका है, एक झटके में टूट जाएगा। फतेह मक्का के लिए मुझे एक छोटा सा लश्कर दरकार है। मक्के का मिस्र से मुकायसा न करो, अली मौलूदे काबा है। हिजाज को फतह करने के लिए तुम्हें जिन्नों से मदद मांगना पड़ेगी। ये सब झाड़ के लाया हूं, फूंक के देखिए गुबार भी नहीं उड़ेगी। पूरा खजाना यही है जो आप देख रहे हैं। खजाने के खाली होने पर नाराज हो या खाना न खाने की वजह से? नहीं मालूम, इतना जानता हूं कि अगर मैं अंधा चूहा भी होता तो हर महीने खाने में से 3 या 4 सिक्के चुराता और बिल में घुसकर मजे मजे से बादाम और अखरोट खाता। नहीं चुराया है तो मरने के मुस्तहक हो, बताओ चुराया है या नहीं? अमीर, मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूं। तो चुराया है? खबीस। कहां फारूख? अमीर की सखावतें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। जब ये बेजुबान सिक्के हराम किए जा रहे हो
तो बेहतर है कि फारूक यहाँ से चला जाए ताकि ये सब देख ना सके। सुनो, हर नई खबर पर एक सिक्का दूंगा, सोना है। क्या मिस्र की खबर और अमरयास का हुकूमत संभालना एक सिक्के से ज्यादा की खबर नहीं? क्यों नहीं, इससे ज्यादा की खबर है। लेकिन खुद अमरयास की अब तक 3 तहरीर हम तक पहुंच चुकी है। मोहम्मद इब्ने अबू बकर को गधे की खाल में डालकर आग लगा दी गई और खुद अमरयास अपने हवारियों के साथ दरियाए नील जाता है ताकि तैरना सीख जाए। मिस्र की जो मछलियां होती हैं वो गीली मिट्टी की बू देती हैं। कोई और नई खबर? इराक में अंबार नामी एक शहर था, लेकिन अब इराक के नक्शे से साफ हो चुका है, हमने उसे खात्मा मिला दिया है। तुमने नहीं किया बल्कि उसे आग ने नाबूद किया है। और उस अंबार को जलाने का नक्शा मैंने ही बनाया था सरदार। अबा यजीद, कूफे में एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो बगैर किसी खर्चो मखारिज के 3 लश्करों के बराबर कोशिश कर रहा है कि कूफा आपके सुपुर्द हो जाए। क्या इसका नाम एक सिक्के के बराबर नहीं? उसका नाम अशस तो नहीं? हाँ, अशस अजीम आदमी है, लेकिन अगर जुंदब का नाम सुनता तो तुम्हें 1000 सिक्के दे सकता था। ताजी खबर लाओ। अम्मू जान, आज मेरे घर एक बच्चे की विलादत हुई है। वलीद ने उस नौमौलूद का नाम माविया रखा है। मरहबा वलीद के सलीके पर। बच्चे के बाप तुम हो या वलीद? एक दिन एक चापलूस ने मेरे लिए दुआ की थी कि ऐशो इशरत करूं। ऐश तो कर रहे हो। नहीं है मुझान, देख रहा हूं कि तुम टेढ़े चल रहे हो। तुम्हारे उल्टे ख्यालात मेरे लिए नाक की मक्खी हो गए। बहुत कुदरतमंद हो। हां हूं। अगर आपसे ज्यादा कुदरतमंद का पता बता दूं तो कितने सिक्के दोगे? ये सारे दे दूंगा। जसारत आले अबू सुफियान की हमेशा की मीरास है। यजीद की ये मश्क फतह शामात की दास्तान याद दिला रही है। मैं अपनी गुजर जाने वाली जवानी पर अफसोस नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे मालूम है
कि कोई है जो मेरी राह को आगे बढ़ाएगा। मरहबा यजीद, तुम्हारा यह बरजस्ता तलवार चलाना। जीतने वाले की कदर कीमत तो वही जानता है जो खेलने वाला हो। मैं समझता हूं कि इस आराम तलबी में जिस तरह उसने खेला है मुश्किल काम है। मानना पड़ेगा कि उसने जीतने का किरदार अच्छा अदा किया है। भूलो नहीं, इस ताकत की मशक में हम जीते हैं। वलीद, लड़ोगे? मैं हाजिर हूं। यजीद जैसा तो नहीं। अम्मू जान, मैं खेले बगैर हार कबूल कर लेता हूं। तुम दोनों रिश्तेदारों का बोझ मेरा अजीज उठाएगा। जो महारत मैंने यजीद में देखी उसके लिए तो ये सरदारान ही काफी थे। अलबत्ता मस्क शमशीर में कौम और कबीले के लोग अमान में हैं। काफी है। मुंतजर हो के औरतें खुशी से तालियां बजाएं। इन हजरत को यह समझ लेना चाहिए कि हर शमशीर शमशीर मश्क नहीं हुआ करती। वो समझता है, तुम क्यों नहीं समझते गर्दन टेढ़े? जल्दी ही समझ जाऊंगा। हुकूमत मजबूर बूढ़े की तरह नहीं होती कि जोश दिखाने या रिश्तेदारी जताने से तुम कहीं पहुंच सको। बेवकूफ, हिजाज अगर एक हड्डी होता तो तुम्हारे सामने डाल देता ताकि इतना कीना तोजी और बकवास न करे। सुन गिरगिट की औलाद, मैं माविया, तो सिर्फ एक नाम याद रख ले, माविया। न अबू सुफियान का बेटा, न हिंदा की औलाद। मैं वो माविया हूं जो अपनी जहनी सलाहियत और जिदगी से तुम शिकस्त खुर्दा बनी उमैया के लिए पनागाह बना हुआ हूं। क्या इसको झुटलाओगे? जाओ किसी सहरा में जाकर देखो, तुम्हें कोई ऊंट भी चराने के लिए नहीं देगा। गौर से सुनो, सब सुने। अगर आज से हर हुक्म की बेचून और चिरा तामील करोगे तो ठीक है, नहीं तो अपने टूटे मकानों में जाओ और कुत्तों के साथ जिंदगी गुजारो। इराक पर हमला करो, हर जानवर और नखलिस्तान जवान और पीर को आग लगा दो। इस हुकूमत का पहला हुक्म यही है, अगर हिम्मत रखते हो तो अंजाम दो, वरना हमारे पास सदके की रोटियां नहीं हैं जो तुम्हें मुफ्त में खिलाएं। यजीद, तलवार की मश्क काफी है,
कल से तदबीर की मशक शुरू होगी।